तो कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब आपकी कोई भी परीक्षा होती है, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक बोर्ड परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, जब भी आपका पेपर होता है तो उसमें आपका एक प्रश्न आता है 4 अंक का, जिसमें आपको मानचित्र जरूर पूछा जाता है। हाँ गाइस, जैसे कि यहाँ पर एक पेपर ए है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों के स्थान को दर्शाइए, यानी कि इस प्रकार का एक मैप आपका जरूर पूछा जाता है। यदि आप 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हो तो आपको सामाजिक में देखने को मिलेगा, और यदि आप 11वीं 12वीं के हो तो आपको इतिहास में मिल जाएगा, भूगोल में मिल जाएगा, इन चीज़ों में आपको नक्शा देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नक्शे मानचित्र बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। हाँ गाइस, आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आपके ये जो मानचित्र हैं इनके प्रश्न बता देते हैं कि आपके ये प्रश्न हैं किस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद ये मानचित्र आपको भरना भी बताएंगे, पूरा आप लोगों के लिए समझा कर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा होगा, प्रश्न क्रमांक 1 सही। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए यहाँ पर आपको काली मिट्टी के क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख और थार का मरुस्थल, ये आपको दर्शाना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, और 2 जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है इसमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए क्या, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और बांधव गढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेटे राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। गाइस एक काम करते हैं, एक एक करके मानचित्र भी बताते जाते हैं, वरना आप लोग देखिए डिस्टर्ब हो जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 पर प्रश्न आपका पूछा जाता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए क्या, काली मिट्टी के क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख, थार का मरुस्थल। तो इसका उत्तर देखने के लिए आपको मानचित्र क्रमांक 1 में जाना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपना मानचित्र क्रमांक 1 आ जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका लद्दाख आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपका लद्दाख आ जाएगा, यहाँ पर आपका थार का कमरू आ जाएगा, यहाँ पर काली आ जाएगा, यहाँ पर काली मिट्टी क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको क्या कहना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए क्या, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्योग, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इन चीजों को दर्शाना है। तो इसके लिए अपन को मानचित्र क्रमांक 2 देखना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन को जो भी दर्शाना था, देखिए पेरियार सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट, और यहाँ पर देखिए जो भी है नागार्जुन, ये 3-4 चीज़ें अपन को दर्शानी थी। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, हाँ, सुंदर राष्ट्रीय वन उद्योग, बांधागढ़ राष्ट्रीय, कार्बेट राष्ट्रीय उद्योग और पेरिय राष्ट्रीय उद्योग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हर चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें भी आप लोग देखो, इसमें आपके प्रश्न क्रमांक 3 में राष्ट्रीय भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, हीरा कुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। तो देखिए ये भी अपन को इसी में देखने को मिल जाएंगे। आपको देखना ये होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बांधवगढ़ आ जाएगा, यहाँ पर हीरा कुंड बांध आ जाएगा, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध आ जाएगा, यहाँ पर नागा अर्जुन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो मानचित्र है इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 का भी ले लेना है, 2 का, इन दोनों का एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन लोग अगला प्रश्न देखते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर लिखा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित निम्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, 4 उत्पादन क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, दूसरे में आपका कपास उत्पादक क्षेत्र, और यहाँ पर आपको चावल उत्पादक क्षेत्र, और इसमें आपको गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ये अपन को देखने को मिल जाएगा कहाँ पर। ये अपन को प्रश्न के मानचित्र के मांग 3 में अपन को इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको देख, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपना क्या है, 4 उत्पादन और गेहूँ उत्पादन, कपास क्षेत्र उत्पादन, कपास गुजरात, चाय उत्पादन तमिलनाडु, प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र, चाय असम उत्पादन। देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अपन देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि
यहाँ पर पांचवें नंबर में भारत के मानचित्र में निम्न प्रमुख लोह खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। यहाँ पर आपको नेयामुंडी और यहाँ पर केंद्रमुख और बेलाडीला और मयूरभंज। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अपन लोग देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर देखिए छठवें में आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित के प्रमुख खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। इसमें आपका हजारीबाग, सहभूमि, खेतड़ी, बालाघाट, ये चीज़ें आपको पिछले क्रमांक पाँच मानचित्र क्रमांक पाँच में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शायद पिछले क्रमांक देखिए, हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ही हजारीबाग लिखा हुआ है, सहभूमि लिखा हुआ है, कालपक्कम लिखा हुआ है, मसूरभंज लिखा हुआ है, ये मानचित्र क्रमांक पाँच है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर रावतभाटा, बालाघाट, सहभूमि यहाँ पर पूरा का पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद और देखें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पर नोवामुड़ी केंद्रमुख, ये कहाँ पर है, हाँ देखिए ये जो आपका प्रश्न क्रमांक पाँच था इसका मानचित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रमुख लिखा हुआ है, मसूरभंज लिखा हुआ है, कोरबा लिखा हुआ है, बेलाडीला लिखा हुआ है, सिंगरौली, झरिया, रानीगंज, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले, यानी कि यहाँ पर सातवें नंबर का, तो यहाँ पर सातवें नंबर में आप लोग देख पाओगे यहाँ पर लिखा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित के प्रमुख कोयला खनिज उत्पादन के क्षेत्र को दर्शाइए। यहाँ पर अपन को कोयला खनिज क्षेत्र को दर्शाना है, यहाँ पर झरिया, रानीगंज और सिंगरौली और कोरबा, ये चीज़ें अपन को लिखना है, तो यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगरौली, झरिया, रानीगंज, कोरबा और भी देखिए और बेलाडीला, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं अगला, यानी कि यहाँ पर आठवें नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भारत के मानचित्र को में निम्नलिखित को दर्शाइए क्या, काकरा पार परमाणु संयंत्र, रावतभाटा परमाणु संयंत्र और यहाँ पर लिखा है कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, ये अपन को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये अपन को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए मानचित्र क्रमांक पाँच में अपन को देखने को मिल जाएगी, देखिए कलपक्कम यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या क्या था, देखिए मसूरभंज लिखा हुआ है, सहभूमि लिखा हुआ, बालाघाट, नरोरा, रावतभाटा, यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देखिए सभी आप लोगों के लिए एक बार और अच्छे तरीके से इनका स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए क्या, HVGP गैस पाइपलाइन और मुंबई हाई, मलाज खंड, खेतड़ी, तो ये अपन को सात और पाँच में ये दोनों देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ अपन को ये देखिए खेतड़ी, मलाजवाद, देखिए अपन को पहले सात में देखना है और जो ना मिले वो अपन को पाँच में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सातवें में देखिए यहाँ पर HVGP गैस पाइपलाइन देखने को मिल जाएगी, मुंबई हाई मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ जितने भी रह गए हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक नक्शा यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन है, जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, मीनाम्बक्कम, ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट मैप, और गाइस इसके बाद बहुत ही जल्द पार्ट टू बताएंगे जिसमें आप लोगों के लिए इससे आगे के और हाई लेवल के मैप आप लोगों के लिए दिखाए जाएंगे। सो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।